ਨਬੀ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੁਕ ਵੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पाकिस्तान हलवा लिखा सी ते कुड़ी नू जनाब कतल कर टुट पे वो खुदा दा नाम ने पहले अकल ते करो वो अकल तू काम लो पहले चुमना शुरू कर लेंदे हो तुहाड़ा ते इहदे हाल है छोड़ो इस गल नूं क्यों छोड़ा जिहड़ी इह गल है तुहाड़े सामने हलवा लिखा हो ते उहनूं कतल कर टुल पे हो गटर दे पाणी ते लिखा है गटर दे पाणी उपर लिखा है कि माया मदीना जवाब दो मैनू यह दसो कि साबी किनू कहंदे ने इन्हां नू समझाओ राजा साहब कहंदे ने अमर नज़ीर आ के दसेगा साबी दा मतलब की होंदा नबी किनू आंदे ने हैं नबी जिहड़ा नबी होंदा है उहनू ही आखदे ने होर किसे नू नहीं आखदे मतलब ना करो गल मैं पहला आके मैं गल पूरी कर लेंदे दो मिनट हौसला रखियो मैं कहना एक लफजी मैना ओदा मैना जिस तरह हदीस का एक लफजी मैना गल हदीस का लफजी मैना बात लेकिन शरी इस्तलाई मैना नबी दी बात इसे तरह साबी का लफजी मैना साथी दर्जा दिता कहना जिन्हें हजूर सलाम नू लाइफ देखा गया गल खत्म दूजे साहबी के अल्लाह करीम दे रोने सुने रब दे मनन आले हो आपस विच नहीं लड़ो
रोजे ने दो दिन नहीं सताईवी अठाईवी रोजे आन के तुसी अपना सारा कुछ तबाह कर बैठे हो कख भी नहीं रहा थोड़े को खुदा ताला ने थोड़े को रोजा ने अल्लाह की शान है अल्लाह शैतानिया नहीं बर्दाश्त करता और सब कुछ होता है लेकिन अल्लाह जिहड़े दिल विच शैतानी होवे ना जिस दे दिल शैतानी और मुनाफकत होवे ओनू जलील करांदा है अल्लाह सामने लिया के जरूर चुप करो दे चुप का दे ले करांगा चुप करना इतने आया मैं बोलना आया इतने चुप का दे ले करांगा बोली जाओ नहीं नासर साहब के साथ गल सुननी भी पैंदी है ना कि खाली बोल ही जाना तुसी जड़ा कोई बंदा गल करे जिन्नू को पता वे जिन्ने मुनाफकत और शैतानियत फैलानी यार पासे ओदी कड़ी गल सुननी है तुसी एक्सपोज हो जाओ ना सामने भी और अपने सामने भी जो तुसी पिछो कंड जाओ अपनियां ब्राटां ला के लोकां नूं सिखाओ लोकां नूं गुमराह करो ऐसे शैतानियत और मुनाफकत जड़ी है वो पसंद ही नहीं है असि जो कुछ साडे अंदर है जो कुछ साडे बाहर है असि सीधी गल करने आ साफ और ठीक ठाक ये ते ऐसे मुनाफक लोग ने इन्हां दे मुंह ते कुछ होंदा है और अंदर कुछ शैतानियत होंदी है शैतानियत जड़ी है वो नहीं चल सकती खुदा ताला उन्हें रुस्वा और जलील करदा है लाज़म लिया के सामने बंदियां दे अल्लाह साहब मैं भी फिर बोलना को बोलो तुहाडा काम ही और की है ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ जवाब दे सके गल मिर्जा साहब ने खुतबा लामिया च लिखा है कि जिन्ने मेरे हाथ ते बैत की नहीं आख्या मेरा साहबी है आख्या ओ साहबे रसूलुल्लाह च दाखिल हो गया है बकवास की मतलब कि मैं तुन कहना रख दी कहना मेनु एड्रेस एड्रेस मां का लाल है तू एड्रेस से मैं तेरे को पहुंचा ते आके तेन निपटा मैं अपने नबी अपनी नबी मोहब्बत करने वाला मैं सफाई अपने नबी मैं तेन तुन के नाक रखा ना मैं राजपूत मैं तेन तुन के नाक रखा ना फिर गल करी सलाम नु आसमान ते बिठाया तुसी गल करन दे काबिल हो किसी नाल ओ मुशरको जाओ अपने अकीदे ठीक करो पहले जाओ जाके ओ मुशरको जाके उधर अकीदे ठीक करो अपने पहले इथे आण के गल्ला कर दियो अल्लाह दी तौहीद दे अल्लाह दा शरीक बनाया जे मैं तेनु तुन करा देंगा मतलब की होंदा है जात दा की मतलब होंदा है ते साहबा दा की मतलब होंदा है लोकां नूं गुमराह करदे ने जिहड़े लोक जिहड़े सुन रहे ने उहनां नूं गुमराह करो शैतानियत नहीं हद हो गई है बिलकुल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसां जिहड़ियां ने बिलकुल फिट और पूरियां होंदियां ने तुहाडे ते मैं दसना ना मैं दसना तुसी गल कर लो मेरे नाल
क्या तुसी कायल हो कि किसे नबी ने आना है जदों तुहाड़ा अकीदा ही नहीं है ते तुसी मिर्ज़ा साहब कोलों अम लेने ने नहीं तो तुसी इस्लाम कोलों अम लेने ने तो तुहाडे तुसी मिर्ज़ा साहब कोलों नासर भाई खुश की मैं इथे बराटा दे आण के ते जनाब फिरदे हो मिर्ज़ा साहब ए बराटा अपने अकीदा ठीक करो मुशरको ए आमर नज़ीर ते हैर ठीक करो मुनाफिक जाओ मुशरको मुनाफिक अपने अकीदा ठीक करो ए आमर नज़ीर सबसे बड़ा मुनाफिक है ये आमर नज़ीर सबसे बड़ा मुनाफिक है ये सबसे बड़ा शैतान है सबसे बड़ा शैतान और बकवास कर रहे हैं इतने जाओ अपने अकीदा ठीक करो फिर अल्लाह ने बगैर मिर्ज़ा साहब अल्लाह ने बगैरता दी वजह से साडा मुर्शिद इमरान खान जेल च इस बगैरत दुश्मन ने इस्लाम दी वजह नाल बाजवे की कुत्ता जड़ा ओही है ते आर्मी चीफ भी ओही कुत्ता है काजी भी ओही कुत्ता है जफर सही बात कर रहे हो राजा साहब नबी दी गल करांगे जदों तुहाडे अकीदे मुशरकाना ने मुशरकाना अकीदे नाल तुसी नबी दी गल किस तरह कर सकदे हो मिर्ज़ा साहब दे तू सुबह शाम पौंको किसे ते तुहानू रोटियां लभदियां ने पौंकड़ो तुहाडा काम है सुबह तो शाम तक पौंको कुत्तियो पौंको मुशरको सोरियो मुशरको जिन्हां ने अकीदे रखे दे ने अल्लाह दा शरीक जिहड़ा अल्लाह दा शरीक बना के आसमान ते चढ़े मुशरको मुनाफिक मुशरको सोरियो मुशरक नासबी जिहड़े ने वाहबी भी उठ के किसे नूं गल कर सकदे ने मुशरक ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰਿੰਗ ਚ ਮਰੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਬੀ ਬਗੈਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਆਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੰਜ ਕੋਲੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਤਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੇ ਕਰੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ देखो आमिर नजीर तुहानू मैं दसा एक चीज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आज तक अल्लाह ताला ने ना जंग दे विच जदों उन्होंने खून डिगण लगा सी ना तो उन्होंने फरिश्ते नूं पुछे उन्होंने कहा इस कोल पहले के खून जमीन ते गिरे तो उन्होंने पुछे इस फरिश्ते नूं किन्नी दफा तू तीन दफा जरा दौड़ के गया उन्होंने कहा सब को ज्यादा उस वक्त मैं मुश्किल पई है जिस वक्त हजूर सल्लम का दंदान मुबारक टुटिया ते खून वगैया तो उन्होंने कहा जमीन दे नहीं आन जमीन कुल आन कुल पहले तो उन्होंने हाथ फड़ लिया सी हाँ जी उन्होंने नजस कदे भी जमीन ते नहीं गिरी हजूर सल्लम अल्लाह ताला ने यह चीज का मुकम्मल तौर किया उन्होंने नजर ही कदम जमीन दे नहीं पैंदी सी और ए खून भी कदे भी उन्होंने परछाव भी जमीन दे नहीं पैंदा सी हाँ जी
देखो आमिर नजीर आमिर नजीर तुसी तो एक हद कोल वध गए अल्लाह दी कसम मेरा भाई देखो मैं तो हूँ अगर बहस थोड़े ना नहीं करते क्योंकि वो अल्लाह ताला कहना है कि जिन्हों अगर समझ नहीं आएगी ना तो तू जिनी बहस करेगा ना अपने मां प्यो अपने नबियो गालियां कटाना शुरू कर लेगा सारा कुछ इतने खानिया मुसलमान लगे ने ना ये वाबिया ने लाए ने अंग्रेज दे पिट्ठू ने पिट्ठू सारे ये पिट्ठू ने अंग्रेज दे चीका नहीं मारने मैं थोड़ी की कद दसना सर जिथे जिथे हो अंग्रेज दे पिट्ठू हो तुसी जिथे जिथे गवर्नमेंटियां रखी ने वाबियो अंग्रेज दे पिट्ठे हो तुसी ते उम्मत मुसलमान नु तबाही कीती है जख्म दिते ने ओए जालिमो असी ते हर वाबी है ही नहीं लेकिन जेड़े वाबी हां तू वाबी नहीं ते और तू फलाने देखो अल्लाह नु चीजा पसंद नहीं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕਮੀਨਗੀ ਵੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਡੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਾਸਬੀ ਨੇ ਨਾਸਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰਿਨ ਚ ਫੋਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਨਾਲ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਸ ਪੌਂਕ ਪੌਂਕ ਤੂੰ ਗੱਟਰ ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਅਮਨ ਅਲਾਮਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬੂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੌਂਕੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੌਮਨ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਮਨੀਅਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੂਮਨ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਤਰੀਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੰਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਟਾਂ ਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾ ਆਪੂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਫੋਕ ਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਮੁਨਾਫਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਮੁਨਕਰ अल्लाह ताला ने इन तीनों को माफ नहीं करना बाकी अल्लाह ताला ने बाकी सारे गुनाह माफ कर देने लेकिन तेरा काम है पौंकना तू मुनाफिक जड़ा तेरा काम है तू ओ पौंक तू तेरे अंदर जड़ा गंद है तू पौंक मैं अच्छा सफाई पे देना है भी गलत बयानी के लोग करते नहीं तू पौंक तू तेरा पटा जड़ा है ना तेरा पटा अल्लाह ने 27-28 रोजे खोल से जैसी तू बराड़ दिया है अल्लाह ने तेनु तबाह और बर्बाद करना मोहब्बत है सारे नाल है जनाब पीरां दुआडे नाल भी है अच्छा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम
वालेकुम सलाम। बड़ा रोला पै गया तल्लत साहब दी बराड ते यारा। की होया? बस ओ लड़ाई होंदी पी उत्थे, ओ मिर्ज़ाई जड़े ने ओ गालां कढ़दे ने, ओ नासर है जड़ा ओ मैनू आंदा पौंक कुत्तिया पौंक। मैं अल्लाह के ये दो चौहान साहब ने मिर्ज़ाई काबू किए हैं। चौहान साहब ने मैं फोन तुहानू दे करना हां। मिर्ज़ा साहब लैटरिन च मरे ने, मिर्ज़ा साहब मंजी ते मरे ने। हां लैटरिन उन्होंने मंजी दे नाल बनाई सी, नेड़े आई। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਵੰਜਾ ਤੇ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਹੀ ਵੰਦੇ ਨਖੀਰ ਕਈ। ਜਾ ਪੇਚਸ ਪੂਚਸ ਲੱਗ ਐਸਾ ਹੋ ਹੀ ਵੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਵੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰਿਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। पानी दी कमी हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया जी। बीमारी मतलब मननी चाहिदी है ना, मतलब जफर भट्टी साहब नू बुलाओ, उन्होंने दसिए भी मिर्ज़ा साहब लैटरिन मरे। भट्टी है कौन सी जी, समझ अमर भाई मैनू समझ नहीं लगी भट्टी दी। मैं छोटी जी रिक्वेस्ट है राजा साहब तुहाडे नाल भी ते बाकी दोस्तां नाल भी करो 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 कुछ दिन मेहरबानी करो, इन्हां दी ब्रडां ते जाओ ही ना, ये बदतमीज ने इंतहाई ज्यादा। मुसलमान जड़े ने ओ शिया सुन्नी दी शिया मुसलमान ओ शिया ना में चस्का लाना हुंदा है ना, फिर के करन ओने छड़ी उठे जाना, इथे जिनी मर्दी कापियां खोलो किताबां खोलो जो मर्दी लाम खोलो, ओ इन चस्का को नहीं हुंदा सानवी। तुसी ये गल्लां कोल रखो, अजी एक मिनट कर लेना, अजी सारा चस्के लाने ने। साजद साहब एक मिनट नहीं, अमर भाई मैनू समझ नहीं लगी गल दी कि वह जरा भट्टी साहब सन, उन्हें पहले तो क्या जी आके तुसी फलाने तो ढिंगे हो तो एड्रैस दो, फिर नाल ही कहन लग पे ओए खबरदार कोई कवे कि मिर्ज़ा साहब लैटरिन च नहीं मोए, तुसी मैनू साबित करो कि पता नहीं क्यों शुरू करता ने। फिर पता नहीं मैनू पता लग गया जिससे उन्हें आख्या ना तुसी आए मुरताद दो मैनू पता लग गया भट्टी साहब जेड़ा उन्हें टायराइड खुले है तो गल हो रही। उम्मत एहो जी जिंदा है जिंदा है मौजूद है, उन्नी देर तक तुसी जेड़ा परहेज पियांदे हो ना, यह परहेज नहीं मरीज कर सकता। मरीज तां परहेज कर सकता है जे उहदे दुआलियों है ममनुआ शिया चुक लईए, ते जेड़ियां ममनुआ शिया ने जो दुआले धर सड़ी तो मरीज को परहेज नहीं हुंदा। उत्थे मैं वेखिया है तल्लत साहब मैनू बार बार रिक्वेस्ट पाण लगे सी, कोई त्रै चार शिया आए सी ते कोई त्रै चार सुन्नी उन्होंने सामने अला लाला होण लगे सी, ते मैं तो उत्थे गया वा उन्होंने सिर्फ दसण वास्ते भी जेड़ा शिया सुन्नी दा तुसीं इत्थे करवाना चाहुंदे सो ना, ओ शिया सुन्नी दा झंझट नहीं कामयाब होया तो चलो अगली बार ट्राई कर लियो, लभ जाण दे इहो जे तुहानूं शिया भी लभ जाण दे ते सुन्नी भी लभ जाण दे, तुहाडी बराड ते आ के मुनाज़रा करन दे लड़न दे ते लभ जाण दे, अत की मिस हो गया निशाना ते अगली बारी लग जाए। तां मैं ते इन्नी गल करन गया ते अगों लड़ाई शुरू हो गई उत्थे। अमर भाई कोई मसला नहीं, मैं गल करदा, गल करन तू मुराद ए वे कि फिर गल नहीं करन देंदे सानूं, अपना दबा के रखणगे बस। हुण वेखो ना तुसीं उहनूं ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਰ ਨੂੰ ਸਾਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਬੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬੀ ਸਾਬੀ ਸਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ
सिख भी आजकल कर रहे हैं बड़ा कई थाए गल जी है ना वो वारी लै के करी दी है तो कई थाए धक्के वढ़ के करी दी है माहौल मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रांडा के होंगे ने मैं चीमा साहब इनवाइट मार मार के मारिया तो चीमा साहब खैर उ आ गए पर उम ही नहीं बनया हूं फिर इधर इनवाइटा पे मारना मैं बार बार आईडी पे मामन सहेल नासर साहब आए ने राजा साहब तो उत्ते जिहड़े बैठे ने मैं फोन ने मिलया वेखो मैं ते एनी गल आ बैठा उत्ते भाई यार तुहाडा